आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। अगले एक साल तक गरीबों को मुफ्त राशन देने का केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना में 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, लेकिन ये योजना सरकार जारी रखेगी। फिर से एक बार कोरोना की दस्तक के समय में केंद्र सरकार के इस बड़े और महत्वपूर्ण फैसले से गरीब लोगों को अगले एक साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 रुपए हमारे गरीब भाई बहनों को भी भुगतान करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी देश भर में।